I'll show you from inside. And this is the third time मैं इसको डाल के दे रहा हूँ, क्योंकि एकदम से ऐसे पी जाता है, चट कर जाता है एकदम से. देखो कितनी तेज पिया. हेलो एंड नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप लोग. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस. अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो, मतलब लास्ट टू लास्ट वीडियो, जिसमें मैंने पतंजलि में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं योगग्राम के अंदर, वो बताया था, तो आपको पता होगा कि 17th डेट को हमें वहां पे जाना था. अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ, 17th को जाना था और आज 17th है एंड हम निकल लिए हैं अपने घर से. और हम अभी थोड़ी देर में यमुनानगर पहुंचेंगे, वहां से हम फिर बाईपास जो बाहर है सारे सहारनपुर वाले और बाकी, वो लेके हम पहुंच जाएंगे योगग्राम में. तो उस टाइम पे मैंने कैंसिलेशन पॉलिसी के बारे में आपको नहीं बताया था. एंड गाइस, कैंसिलेशन पॉलिसी इनकी कुछ ऐसी है कि 50% आपसे ये लेंगे. अगर आपको सपोज कैंसिल करना है तो आप एक हफ्ता पहले इनको बता दीजिए, एक बिफोर वन वीक, तो आपसे 50% डिडक्ट करके वापस दे देंगे अगर एक हफ्ता पहले इनको बता देते हैं. अगर एक हफ्ता पहले नहीं बताते, इन दैट केस आपको कोई सॉलिड रीजन देना होगा, लाइक कोई इमरजेंसी और समथिंग, तब भी 50% आपको दे देंगे. तो इन एनी केस 50% तो आपके गए हैं, ठीक है. तो ये इनकी कैंसिलेशन पॉलिसी है, जो मैंने इनको फोन करके भी पूछा था एंड ऑल दैट स्टफ. तो भी वहां पे पहुंचेंगे, उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे, आपको सब कुछ दिखाएंगे. आप वीडियो में बने रहो, मिलते हैं योगग्राम पहुंचकर. देखो फ्रेंड्स, यहाँ की रोड इतनी ज्यादा बेकार है कि हमारा ये जो बुद्धा था वो यहाँ से गिर के यहाँ पे आ गया. A few moments later. Finally, आप देख सकते हैं, we are on the highway and बहुत ज्यादा कठिनाइयों के बाद हम इस सड़क पे पहुंचे हैं. A few moments later. यहाँ पे आप देख सकते हैं निरम्यम लिखा हुआ है, निरम्यम योगग्राम. So, हरिद्वार से स्लाइटली लेफ्ट आपको आना पड़ेगा, तो वहां से औरंगाबाद करके कोई जगह, औरंगाबाद रोड ऐसे, तो वहां उस रोड से आपको होके जाना पड़ेगा एंड उसके बाद आएगा योगग्राम. आई थिंक ये भी आया. सब जितने भी गाइज ये पोल्स लगे हुए हैं, सबके ऊपर लिखा हुआ है निरम्यम योगग्राम, योगग्राम सीधा जाओ. तो मे बी यहाँ से अराउंड 3-4 किलोमीटर होगा बस. जैसा मैंने आपको बताया, रास्ते में सब जगह ऐसे ऐसे बोर्ड लिखे हुए हैं जिस पर लिखा है निरम्यम योगग्राम, मतलब योगग्राम जाने का रास्ता निरम्यम, वहाँ पे एक जगह है. तो गाइस, मतलब गाँव के अंदर से होके जाता है पूरा रास्ता. अगर आप हरिद्वार की तरफ से हैं तो वहाँ से भी ऐसे लिंक रोड टाइप ही है. कोई बहुत अच्छी, मतलब सड़क तो ठीक है पर कुछ चौड़ी वौड़ी सड़क नहीं है, गाँव के अंदर से सड़क आती है. बाकी यहाँ से कुछ 2-3 किलोमीटर और काफ़ी साइलेंस है. आप अगर यहाँ पे, मैं 2 मिनट के लिए चुप हूँ. जैसे ही मैं चुप हुआ, कोयल भी बोलने चुप हो गई. A few moments later. And, ये देखिए गाइस, यहाँ पे आ गया है योगग्राम. यहाँ पे आपको डोम दिख रहा है, वो जो सारी फोटोज में होता है. यहाँ पे देखो गाइस, ये लोकेशन है इसकी. You can see the location, right? आसपास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. पीछे पहाड़ है, आगे योगग्राम है. वहाँ पे चल के बाकी हम बात करेंगे गाइस.
सो गाइज जब हमने वहाँ पे एंट्री करवाई गेट पे, जहाँ पे भी आपने गार्ड्स को देखा, वहाँ पे आपका नाम पूछेंगे अगर आपका बुकिंग है निरम में या योग्राम में, तो आपका वहाँ पे वो नाम वाम पूछेंगे और आपका नंबर लेंगे, कहाँ से आए हो एंड ऑल दैट थिंग्स, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। एंड अब यहाँ पे गाइज आप देखिए, ये है पार्किंग, निरम्यम की पार्किंग आगे है, योग्राम की पार्किंग यहाँ पर है। देखिए गाइज ये लिखा पार्किंग का बोर्ड, तो चलो गाड़ी पार्किंग दिखाते हैं आपको, क्योंकि किसी वीडियो में गाइज पार्किंग नहीं दिखाई हुई। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लोगों की ये डाउट रहता है कि पार्किंग में वहाँ पर शेड है या नहीं है एंड ऑल दैट स्टफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शेड है प्रॉपर, एंड आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन सा लगा हुआ है, यहाँ पे आपके बैग वैग चेक होते हैं एंड वो पार्किंग है। जो लोग बोलते थे कि शेड वेड सब नहीं होता है या फिर जिसको पता नहीं था, वो देख लीजिए ऐसी पार्किंग है। तो यहाँ गाड़ी खड़ी करके यहाँ पे आप चेक कराते हैं अपने बैग वैग, एंड यहाँ पे आती है गाड़ी वहाँ से घूम के, जिसके अंदर आप जो आपको लेके जाती है आपके बैग वैग के साथ वहाँ पर, जहाँ पे सब रूम वूम है। अब हम वेट करते हैं, आई थिंक वो और भी दो लोग आए हैं, उनको आई थिंक साथ लेके जाएंगे। एंड यहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ भी चलती हैं जो फ्यूल पे चलती हैं, फॉसिल फ्यूल लाइक पेट्रोल डीजल। सो गाइस वो था हमारा जहाँ पे एडमिशन हुआ मतलब कि, एंड उसके साथ में इंक्वायरी है, ऐसे फॉर्म्स हैं मिलते हैं जिसके ऊपर आपके डॉक्टर का नाम वो हम सब लिख के देते हैं, वो आपकी जो आपने ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन फिल करी है वो सब यहाँ पर कंफर्म करते हैं। यहाँ पे आपका एडमिशन होता है, जहाँ पे सारी चीज़ हुई, अभी फॉर्म वॉर्म दिया, उसके बाद यहाँ पे उसके बिल्कुल पीछे ये डॉक्टर का है रूम, यहाँ लगा हुआ है बोर्ड। ऑल्दो मतलब मुझे जो इनका प्रोसेस था वो उतना अच्छा नहीं लगा, वो स्मूथ नहीं था, ऑल दो भीड़ बहुत कम थी, बहुत मतलब ये लगा लो कि 2-3 लोग थे, पर उसने बोला कि उसका सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो मे बी सिस्टम काम ना कर रहा हो आज, इसलिए कुछ इशू आया हो। बट तो जैसे ही आपको ये मिलेगा जो मैंने फॉर्म पहले दिखाया था काउंटर डेस्क से, उसके बाद फिर आप यहाँ डॉक्टर को दिखाने के लिए आते हो, उसके बाद ये जो काउंटर है, इस काउंटर से आप एक ऐसे वाला फॉर्म आपको मिलता है, इसके अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन भरते हैं, वो आपके आवर्स ऑफ स्लीपिंग और आप क्या खाते पीते हैं एंड ऑल दैट स्टफ़। इसके बाद आपका वेट होगा एंड ब्लड प्रेशर चेक होगा, फिर आपको टोकन मिलेगा, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे। तो सीधा मत आना, पहले ये सब चीज़ें करना फिर डॉक्टर के पास जाना। सो गाइस धूप बहुत ज़्यादा है, एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे ना, जैसे अभी हमारा 9 नंबर है, ठीक है, अभी 6 नंबर जो है टोकन वो भी अंदर जाएंगे, तो हमने सोचा हम थोड़ा पानी वानी इतना पी लेते हैं एंड थोड़ा हाथ मुंह धो लेते हैं, इतना हमारा नंबर आएगा। सिस्टम ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत ख़राब नहीं है, ठीक है, तो अभी तो स्टार्ट ही किया है, आगे जैसे होगा आपको सब बताते रहेंगे साथ साथ, अभी धूप खत्म हो गया है, तीन उतार सकते गैस बनना है तो इसके जैसे बनो, देखो कांटे लगाए हैं फिर भी ऊपर बैठा है, जिद्दी कबूतर। खाना आ गया हमारे पास, पर मुझे एक्चुअल में पता नहीं है क्या क्या, वो गरिमा ने पूछा वो बताएगी, बताओ। तो हमारे पास हमें 2 चपाती मिली है, पेठे की सब्जी है, वेजिटेबल चीज की है, रागी की चपाती है हमारे पास, वेजिटेबल सूप है, और ये गोभी की सब्जी, और ये सैलेड भी है हमें। और वो किसकी सब्जी है? ये पेठे की सब्जी है, पम्पकिन। तो गाइस अभी एक्चुअल में हमारा जो कंसल्टेशन है डॉक्टर के साथ वो हुआ नहीं है, बट लंच टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया, अभी एक नंबर लगा हुआ है,
तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं पेशेंट के साथ, स्पेशली अगर नया आया हो तो अभी उनको ज़्यादा टाइम लगेगा, तब फिर लंच टाइम हो जाएगा, तो वही थॉट कि हम खा लेते हैं, उसके बाद फिर हम कॉटेज में चले जाएंगे या फिर डॉक्टर के पास जाएंगे एंड फिर कॉटेज में सामान वामान रखेंगे। तो देखते हैं, अभी फ़िलहाल खाना खाते हैं, उसके बाद आगे का प्लान आपको बताएंगे। This is it. I'll show you from inside. And not bad. Safai hai, AC hai. Washroom bhi dikhata hu. Ek saman rakhu main. Okay. All right. So now washroom. Washroom bhi saaf hai. It's me. Window. सो सबसे पहले एसी ऑन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी से आए हैं हम। एंड वॉशरूम मैं आपको दिखा ही चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ पर बाहर कुछ जगह है गाइस, यहाँ पर आप अपने कपड़े वपड़े सुखा सकते हैं। ये वो गेट जिससे हम अंदर आए, और अंदर आते ही यहाँ पर आपको जगह मिलेगी जहाँ आप अपने कपड़े वपड़े सुखा सकते हैं। बाकी रूम का टूर मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। इस अलमीरा में दिखा देता हूँ क्या है। इसके अंदर आपको लिक्विडेटर मिलेगा, पतंजलि का साबुन मिलेगा, हल्दी चंदन, ओके, एंड कीज़, आई डोंट नो इसकी है क्या है, ओके, इसकी कीज़ भी हैं, कुछ बुक्स, उसके बाद कुछ बुक्स हैं बाबा रामदेव की, ये बालकृष्ण, ये नेचुरोपैथी से, और साथ में ये कैटल, ओके, साथ में आपको मिलता है दो दो छाते, वाओ, छुपा के रखे हो गाइस, फाइनली हमने ढूंढ लिया। ऑल राइट, ये हम लेके आए थे मच्छरदानी अपनी, मॉस्किटो नेट, जिसकी आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। और ये टॉवल वॉल भी इन्होंने दिए हैं। यहाँ पे एक छोटा वाटर जग रखा है कैंपर, साथ में दो ग्लास भी रखे हुए हैं। ये सारे जो बने हुए हैं ये कॉटेजेस हैं, निसर्ग कॉटेज जिसको बोलते हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक जो है वो कपड़े वाली छत है, ऑल दो वाटर प्रूफ है, सब कुछ है, अंदर साफ भी है बहुत ज़्यादा जैसा आपने देखा। एंड एक है हमारा महर्षि, एक निसर्ग था और एक निसर्ग के ही रेट में दूसरा कॉटेज भी होता है जो पक्की छत वाला होता है, बट उसमें एसी नहीं होता, निसर्ग के अंदर एसी होता है। और एक होता है महर्षि जिसपे 500 रुपये पर डे ज़्यादा लगते हैं, उसमें एसी भी होता है, उसमें पक्की छत होती है। पर हमने महर्षि देखना था बट वो अवेलेबल नहीं था, सो हमें ये लेना पड़ा, बट इट्स नॉट बैड। ये वाली जो कॉटेज आप देख रहे हैं ये महर्षि कॉटेजेस हैं, एंड ये बिल्कुल सामने है जो ये डॉक्टर का कैबिन है, यहाँ पे जहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, पंचकर्मा और नेचुरोपैथी वाले डॉक्टर, तो उसके बिल्कुल सामने है महर्षि कॉटेज। एंड महर्षि कॉटेज के बिल्कुल साथ में है डोम जहाँ पे योगा होती है शाम में, अलग अलग तरीके या अलग अलग तरीके के जो पेशेंट्स हैं जो अलग अलग इलाज करवाने आए हैं उनकी अलग अलग तरीके की योगा होती है। एंड यहाँ पे सब डॉक्टर्स वगैरह जो हैं, जो डॉक्टर्स वगैरह यहाँ सब बैठते हैं वो यहीं पे ही रहते हैं, आई थिंक महर्षि कॉटेज में ही वो रहते होंगे, मतलब रहते होंगे क्या, वो रहते हैं यहाँ पर मुझे एक्चुअल में कॉटेज नहीं पता वो किस में रहते हैं, सो आई एम गेसिंग कि महर्षि कॉटेज में वो रहते होंगे,
अभी हमें जाना है पंचकर्मा नहीं, अभी हमें जाना है नेचुरोपैथी सेंटर, तो नेचुरोपैथी जाएंगे एंड आई थिंक एक दो दिन के बाद हमारा डिटॉक्सिफिकेशन होगा। कोई क्या नाम बोल रहे थे उसको, SP उसकी शॉर्ट फॉर्म थी, डिटॉक्सिफाई करने की, तो वो होगा। उसके बाद फिर हमारा पंचकर्मा ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, तो पहले अभी दो तीन दिन नेचुरोपैथी ही चलने वाला है हमारा। A few hours later. गैस देखो, दोस्त मिल गया मुझे, कालू मुझे हर जगह मिल ही जाता कहीं ना कहीं से, तो कालू को थोड़ा खाने के लिए डालते हैं, देखते हैं कुछ खाता है कि नहीं। पी रहे गैस, पी रहे ओए कालू, ओए कालू, काफी टाइम से भूखा है, काफी टाइम से भूखा लग रहा है गैस ये। और पीना A few moments later. गैस बहुत ज़्यादा भूखा लग रहा है मुझे, this is the third time मैं इसको डाल के दे रहा हूँ, क्योंकि एकदम से ऐसे पी जाता, चट कर जाता है एकदम से। क्लोज लेके आऊँ, देखो कितनी तेज पिया। सो गाइस, रूम के अंदर आ गए हैं हम एंड टाइम हुआ है 8:27। डिनर भी हो गया एंड सारे दिन की बात करूँगा मैं, आज का जो हमारा स्केड्यूल रहा, आज का कैसा था वो सब मैं बताऊँगा। तो गेट पे जब आप आते हो, वहाँ पे आपका नाम पूछते हैं, आप कहाँ से आए हो, आपका नंबर पूछते हैं एंड दैट्स इट, आपको गाड़ी का नंबर नोट करते हैं अगर आप गाड़ी पे आ रहे हैं तो, आपको गाड़ी में पार्किंग में लगा देते हैं गाड़ी एंड उसके बाद वहाँ पे गार्ड वार्ड चेक करता है कि आप कुछ उल्टा सीधा सामान तो नहीं लेके आए, लाइक अल्कोहल या समथिंग एल्स, और कुछ बाहर से खाने का तो नहीं लेके, टिफिन विफिन आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप घर से आ रहे हैं, आप खाना लेके आइए नॉर्मल, और उसको अगर आपने नहीं खाया तो आप यहाँ आके भी उसको खा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरी बात, वहाँ पे आने के बाद वो आपकी चेकिंग वेकिंग करेंगे एंड उसके बाद आपको अंदर आने देंगे, और कोई भी कोरोना की जो RT-PCR रिपोर्ट होती है वो, ऑल दो आपको बोलेंगे कि आप लेके आओ एंड ऑल दैट स्टफ, बट कोई चेक नहीं करता, ठीक है। वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट कोई चेक नहीं करता, केसेस बढ़ रहे हैं तो आई थिंक आगे वाले टाइम में पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, बट फिलहाल तो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई, बहुत डाउट इससे क्लियर हो जाएंगे लोगों को एंड उसके बाद जब आप अंदर आते हैं आपको एक गाड़ी मिलती है वहाँ पे, इलेक्ट्रिक गाड़ी या फिर पेट्रोल वाली गाड़ी चल रही होती है, जहाँ हम पेट्रोल वाली में आए थे, वहाँ पे सामान वामान लड़का लोड कर देता है, वहाँ पे खड़ा होता है, कई बार ड्राइवर भी कर देता है जो गाड़ी का होता है, उसके बाद आपको लेके आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में, वहाँ पे आपकी बुकिंग वुकिंग सब वहाँ पे चेक होती है एंड उसके बाद आपको भेज देते हैं डॉक्टर के पास, वही जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस वाले हैं वो आपका डॉक्टर का नाम लिख के देंगे, उसके पास आपको जाना है। उसके बाद आप जाएंगे OPD में, OPD में जाने के बाद, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के पीछे ही है, वहाँ पे आप जाएंगे OPD में, वहाँ पे आपको डायरेक्ट डॉक्टर से नहीं मिलना, राइट, आपको एक इंक्वायरी काउंटर बना हुआ है वहाँ पर, वहाँ आपको जाना है, वहाँ आपका वेट, आपको एक फॉर्म देंगे सबसे पहले, वो फॉर्म आपको फिल करना है, उसमें आपकी डेली की दिनचर्या, राइट, आप कितने घंटे के लिए सोते हो, कब उठते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कोई प्रॉब्लम एंड ऑल दैट, तब वो पहले ही पूछ लेते हैं, काइंड ऑफ सर्वे हो गया, राइट। वहाँ पे वो करने के बाद फिर आपको वेट आपका होगा और फिर आप जाओगे डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर का नाम उन्होंने लिख के दिया है, जो बाहर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में लिख के दिया था वहाँ पे, उस डॉक्टर के पास आप जाओगे, उस इंक्वायरी से आपको टोकन मिल जाता है, ठीक है, जो आप OPD के अंदर लेते हो वहाँ से टोकन मिलेगा, फिर आप उस डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपका सब करेगा और वो होगा नेचुरोपैथी का डॉक्टर। सबसे पहले आपको नेचुरोपैथी के डॉक्टर के पास भेजते हैं, नेचुरोपैथी के डॉक्टर के पास जाने के बाद वहाँ पे वो आपका सब चेक वेक करेगा, डाइट बना के देगा प्रॉपर। नेचुरोपैथी का डॉक्टर वो होता है जो आपकी जो डेली की सब्जियाँ हैं, जो फ्रूट है, उस पर आपका जो करता है ट्रीटमेंट करता है, क्या वो आपको कोई दवाई नहीं देता, कुछ नहीं देता, वो सब उन पर करता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं नेचुरोपैथी, नेचुरल नेचर से रिलेटेड, राइट। तो ये हो गया, अब उसके बाद वो सब आपको डाइट चार्ट आपका बना के देगा कि क्या खाना है, कब खाना है, कितने बजे खाना है, कौन कौन से नेचुरोपैथी जो ट्रीटमेंट सेंटर है वहाँ पे, जो जो आपकी, लाइक जैसे आज हुआ मेरा, आज गर्म उसने टॉवल लगाया एब्डोमेन के ऊपर, फिर उसने ठंडा लगाया, तो ऐसे ट्रीटमेंट था, जो मेरे काव्स होते हैं, काव्स की मसाज करी ऐसे, तो वो सब ट्रीटमेंट लिख के देगा, लिख के देगी या देगा। उसके बाद ये होगा,
एंड उसके बाद आप जाओगे पंचकर्मा डॉक्टर के पास, वो भी ओपीडी में ही है। एक साइड पे नेचुरोपैथी वाली है, गेट से अंदर एंटर करोगे राइट साइड पे नेचुरोपैथी, लेफ्ट साइड पे पंचकर्मा। तो वहाँ पे पंचकर्मा वाला डॉक्टर वो होता है आयुर्वेदिक डॉक्टर, जो आपको सारी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो उसकी दवाइयाँ लिख के देगा, आयुर्वेदिक दवाइयाँ। और वो अंदर ही स्टोर है जहाँ पे आपको सारे प्राइजेस जो हैं वो प्रिंट रेट पे मिलते हैं। हाँ जी, जिनका यहाँ पे स्टोर है उसमें आपको जो दवाइयाँ हैं या कुछ भी आपको लेना है वो सब प्रिंट रेट पे मिलेगा। खाने की बात भी एक बार मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। खाना जो है यहाँ पे उसमें ज़्यादा नमक नहीं है, ज़्यादा मिर्च नहीं है, बट इट्स ओके, इट्स टेस्टी। ऐसा नहीं बोलेंगे बीमारों का खाना, यू कैन ईट इट राइट। आज रात को डिनर में था दलिया विद बीन्स एंड साथ में थे घिया राइट, मिक्स था, और साथ में वेजिटेबल सूप वो था, और यहाँ पे बहुत सारे मेडिकेटेड वाटर जिनको बोलते हैं वो था, लाइक गोखरू का पानी और दशमूल का पानी, ऐसे बहुत सारे पानी हैं यहाँ पर। एंड वो सब वहीं कैंटीन में मिलता है आपको, जो भी है वो कैंटीन से मिलेगा, खाने पीने का सब कुछ। गाइज यहाँ पे ना हर तरीके का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लाइक एनीमा हो गया आपका, आपका जो पट्टी वट्टी लगाते हैं ऑल दैट स्टफ, मसाज तो यहाँ पे है ही, यहाँ पे सोना बाथ, एंड यहाँ पे यज्ञ का ट्रीटमेंट भी होता है, एक्यूप्रेशर होता है, एक्यूपंचर होता है, सब तरह के ट्रीटमेंट है, हर एक ट्रीटमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। और दूसरी बात, जब आप यहाँ पे आते हैं तो जैसे वो पट्टी लगाते हैं यहाँ पे और मसाज करने के बाद पैरों पे बांध देते हैं मोटी सी पट्टी, वो सब आपको यहाँ से खरीदनी पड़ती है, 700 के अराउंड मिलता है पर पर्सन। उसमें अगर टॉवल आप लेंगे, बड़ा या छोटा टॉवल, यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो एक बड़ा टॉवल और दो छोटे टॉवल लेके आए अपने साथ में, एंड वो जब टॉवल वाला करते हैं जकूजी, जैसे गर्म टॉवल लगाते हैं ठंडा लगाते हैं, तो उस टाइम पे वो यूज़ करते हैं। अगर आप नहीं लेके आएंगे तो वो यहाँ फिर आपको ख़रीदना पड़ेगा, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, अदरवाइज आपका 700 रुपये में काम हो जाएगा। जल नेति जो होता है वो, जल नेति आप सर्च कर लेना गूगल पे क्या होता है, तो जल नेति जो होता है उसके लिए आपको एक एक यूटेंसिल मिलता है, एंड रबर नेति भी होता है उसके लिए आपको रबर की एक ट्यूब भी मिलती है, दो तीन ट्यूब मिलती है, तो वो एंड उसके साथ में थैला मिलता है और साथ में पट्टियाँ मिलती हैं, तो वो 700 रुपये का मिलता है। आज का दिन हमारा हो गया ख़त्म, एंड मिलते हैं कल। कल का एपिसोड मिस मत करना, कल हमारा यहाँ पे होगा day number 2, और वो होगा स्टार्टिंग से। आज तो हमने लेट स्टार्ट किया था, बट कल हम अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे, 4 बजे सुबह, ठीक है? तो मिलते हैं गाइस कल। कल जो भी होगा सब मैं आपको बताऊंगा, एंड अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो वो वीडियो मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन टेक केयर, पीस, गुड नाइट। क्या नाम है इसका? बादल। बादल, ओए बादल, बादल। ये अकेले बच्चा ऐसे बैठे हैं? कितना है इसका?